फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए घर संसार वास्तु शास्त्र को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो को सबसे पहले। भले ही पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसा बहुत कुछ है। तभी तो पैसों की जरूरत गरीब से लेकर अमीर आदमी तक हर किसी को पड़ती है। कुछ लोगों को पैसे कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है लेकिन अधिकांश लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद भी उतना पैसा नहीं कमा पाते जितने में उनका गुजर बसर हो सके। आलम तो यह है कि अधिकांश लोगों को आए दिन आर्थिक तंगी से जूझना पड़ता है। अगर आप भी आर्थिक तंगी से परेशान हैं या फिर आर्थिक तौर से कंगाल हो गए हैं तो फिर हम आपको बताने जा रहे हैं मंगलवार के टोटके जो कंगाल को भी मालामाल बना सकते हैं। हनुमान जी को समर्पित है मंगलवार का दिन। मान्यता है कि मंगलवार के दिन ही अंजनी के लाला हनुमान जी का जन्म हुआ था और नौ ग्रहों में मंगल ग्रह पर भी हनुमान जी का आधिपत्य है, इसलिए मंगलवार का दिन पूरी तरह से उन्हें समर्पित है। कहते हैं कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं और अपने भक्तों की हर मुराद को पूरी करते हैं। पवन पुत्र हनुमान अपने भक्तों की थोड़ी सी भक्ति से ही शीघ्र प्रसन्न होकर उनके सारे कष्टों को हर लेते हैं। तो आइए जानते हैं मंगलवार को वो कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आप बन सकते हैं मालामाल। पहला उपाय है हनुमान मंदिर में लाल ध्वजा चढ़ाएं। अगर आप लंबे समय से आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो फिर अपने आर्थिक कष्ट को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में लाल रंग ध्वजा चढ़ाकर आर्थिक तंगी को दूर करने की प्रार्थना करें। लगातार 5 मंगलवार तक इस उपाय को करने से धन के आगमन में आ रही सारी बाधाएं दूर होने लगती हैं। दूसरा उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आपके जीवन में लगातार कंगाली जैसे हालात बने हुए हैं तो मंगलवार से लगातार 7 दिन तक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें। इस उपाय को करने से आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे और धन लाभ होगा। तीसरा उपाय है मंगलवार को नारियल का दान करें। अपने जीवन की सारी परेशानियों से निजात पाने के लिए घर के मंदिर में हर मंगलवार को हनुमान जी के नाम से एक नारियल चढ़ाएं और बाद में चढ़े हुए नारियल को दान कर दें। यह टोटका आपके जीवन के लिए शुभ फलदायक साबित हो सकता है। चौथा उपाय है मंगलवार को श्री राम के दर्शन करें। हनुमान जी प्रभु श्री राम के सबसे प्रिय भक्त हैं। मान्यता है कि श्री राम का नाम लेने से हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं, इसलिए हर मंगलवार को राम मंदिर में जाएं और दाहिने हाथ के अंगूठे से हनुमान जी के सिर से सिंदूर लेकर सीता माता के चरणों में लगा दें। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। पांचवा उपाय है बजरंग बाण का पाठ करें। आर्थिक समस्या के अलावा दूसरी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको पूरे मन वचन और कर्म से हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। इसके साथ ही 21 दिनों तक विधि विधान से बजरंग बाण का पाठ करने से समस्त समस्याओं का अंत हो जाएगा और बजरंग बली की कृपा भी प्राप्त होगी। तो ये थे फ्रेंड्स मंगलवार की ये टोटके जो आपको बना सकते हैं कंगाल से मालामाल। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि इसी तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। अपने घर और आसपास की सफाई रखें, सकारात्मक सोचें और खुश रहें। धन्यवाद।